किताबुल अर्श में लिखा है कि एक आदमी कमज़ोर दीवार के नीचे सो रहा था कि अचानक दीवार गिरने लगी। इतने में एक आदमी आया और उसने सोने वाले को जगाकर एक तरफ खींच लिया। दीवार गिर गई और सोने वाला बच गया। ये सूरत हाल देखकर सोने वाले ने अपने मोहसिन यानी बचाने वाले का शुक्रिया अदा किया और नाम पूछा। तो बचाने वाले ने बताया कि मैं शैतान हूँ। इस पर बचने वाले ने हैरान होकर पूछा कि शैतान और नेकी, ये क्या बात है? इस पर शैतान ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती दीवार के नीचे दबकर मर जाए तो वह शहीद मरता है। मैंने सोचा कि अगर तुम शहीद मरोगे तो तुम्हारा रुतबा अल्लाह के सामने बढ़ जाएगा। गाइस, इससे मालूम चला कि शैतान कभी नेकी कर ही नहीं सकता, और अगर कोई नेकी कर भी जाए तो उसमें भी उसकी कोई बुरी नीयत शामिल होती है। अल्लाह पाक हमें शैतान से महफूज फरमाए।